गुमशुदा पालिका के संबंध में ट्रस्ट ने की एसडीएम एसपी से चर्चा, पिता का भूख हड़ताल पांचवा दिन जारी। नीमच राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ट्रस्ट की मध्य प्रदेश अध्यक्ष पूजा यादव, उपाध्यक्ष ज्योति जोशी, सदस्य बलराम बैरागी, राधा बैरागी, फातिमा वे अर्चना भूख हड़ताल पर बैठे। राकेश जोशी से उसकी गुमशुदा पुत्री के बारे में चर्चा की। उसके बाद टीम अनुविभागीय अधिकारी ममता खेड़े से टीम ने चर्चा कर ज्ञापन सौंपा, जिस पर खेड़े ने बताया कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश है व पुलिस अपना काम कर रही है, कार्यवाही चल रही है। उसके बाद टीम पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा से भी चर्चा की व ज्ञापन भी दिया, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने कहा मामला काफ़ी पुराना हो चुका है, हमारी कोशिश पूरी तरह से जारी है, जैसे ही हमें कोई क्लू मिलता है हम कार्यवाही करेंगे। हमको कुछ लोगों पर संदेह है, उनका नार्को टेस्ट कराने का भी आवेदन दिया गया है। पुलिस सभी अधिकार जांच में लगे हैं और हमने एसआईटी की टीम भी गठित की है। कुछ समस्या आ रही है, पुलिस के द्वारा कुछ लोगों को बराबर पूछताछ के लिए बुलाने, उनके परिवार वाले कहते हैं पुलिस हमें परेशान कर रही है। पुलिस का काम है जब तक गुमशुदा बालिका नहीं मिले तब तक जाँच चलती रहेगी, पूछताछ भी पुलिस करती रहेगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा मामले को हम बहुत गंभीरता से जाँच कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो बच्ची गई थी काफ़ी समय हो गया है और उसमें काफ़ी समय से थाना प्रभारी और पूरी टीम उनकी, जिसमें एक एसआईटी भी गठित की गई है और साथ में एसडीओपी साहब सभी उसमें प्रयासरत हैं। अभी हम लोग कोई उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है, पर जो भी सुराग मिल रहे हैं हम लोग उसको डेवलप कर रहे हैं और उसको कहीं उसमें जो भी विवेचना में जो भी नया एंगल डेवलप हो रहा है, और हम लोगों ने भी उसमें केस डायरी का वो किया है, समीक्षा की है, हम लोगों ने भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं, एडिशनल एसपी साहब ने भी उसको देखा है और उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं और उसी दिशा में हम लोग अभी उसको आगे डेवलप कर रहे हैं। जी मैडम, किस मामले में आवेदन दिया आज आपने? आज हमने आवेदन दिया है एक 20 वर्ष की बच्ची जो 13 महीने पहले लापता हुई, जिसका अपहरण किया गया और उसके पिता 4 दिन से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उसकी सुनवाई अभी तक कुछ हुई नहीं है, ना पुलिस प्रशासन कुछ जवाब दे रहा है कि बच्ची उनकी जीवित है या मृत है। तो उसी विषय में हमने भी आज कलेक्टर महोदय के नाम पे एक आवेदन दिया है और उसके पश्चात हम एसपी सर को भी इसके विषय में आवेदन दिया। क्या आश्वासन मिला आपको अभी यहाँ से? अभी तो आश्वासन तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि ये लोग कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार एसपी सर से बात करने के बाद हम कुछ बता पाएंगे कि यहाँ की आश्वासन है। आपका नाम? पूजा यादव, राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ट्रस्ट, प्रदेश अध्यक्ष।